प्रोटीन्स की ना चार लेवल की स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और टर्शरी क्वार्टरनरी। तो क्वार्टरनरी देखते हैं क्या है। ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमाइनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब ये पॉलीपेप्टाइड क्या है ना, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। डाइपेप्टाइड कैसे बनता है, देखो यहाँ बनाया था ना हमने, ये देखो ये ग्लाइसिन है और ये एलानाइन है। ये दोनों जब जुड़ गए, वाटर का एलिमिनेशन हो गया तो अमाइड लिंकेज बन गया, इसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो दो अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनता है, सब डाइपेप्टाइड। तीन अमाइनो एसिड जुड़ के ट्राइपेप्टाइड बनेगा, चार अमाइनो एसिड जुड़ के टेट्रापेप्टाइड, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे पेप्टाइड्स। और अगर हजारों 500 हजार ऐसे अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे तो तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो उस पॉलीपेप्टाइड में ये जो अमाइनो एसिड है वो किस सीक्वेंस में जुड़े हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाया हुआ, ग्लाई एला ग्लाइसिन है, एलानाइन है, वैलिन है, ल्यूसीन है। तो ये इस सीक्वेंस में जुड़े हैं, ये भी हो सकता है इस सीक्वेंस में जुड़ जाए, या इस सीक्वेंस में, या इस सीक्वेंस में, ऐसे अलग अलग सीक्वेंस में वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो किस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, आंसर आ गया इसका वन, दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सीक्वेंस इन विच कॉन्स्टिटेंट अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन आर लिंक्ड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलिन, ल्यूसाइन मे बी लिंक्ड इन डिफरेंट वेज। तो कुछ ऐसे अलग अलग वेज में हो सकते हैं। अबव फोर आर सेड टू हैव डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर, इन चारों की प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक्सप्लेन द टर्म्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी क्या है बताना है आपको। प्राइमरी तो मैंने बता ही दिया कि अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है। वो अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में जुड़े हैं वो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, तो ये बात हमने ऊपर कर ही ली। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। अब ये जो चेन बन गई, ये चेन दो तरीके से कॉइल कर सकती है। देखो ऐसे चेन बन गई ना पॉलीपेप्टाइड की, ठीक है। अब ये चेन दो तरीके से कॉइल कर सकती है। ये पॉलीपेप्टाइड जुड़ जुड़ के जो, मतलब अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के जो पॉलीपेप्टाइड बना, अब ये चेन जो है वो ऐसे तो नहीं कि सीधा सीधा पड़ा रहेगा, तो वो कैसे फोल्ड हो सकता है, वो ऐसे फोल्ड हो सकता है, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स मतलब क्या, आप राइट हैंड लो, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना, आपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो और जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे कैसे, यही हुआ ना, ऐसे हुआ ना। यस सर। अगर आप ऐसे अंगूठा ऊपर की तरफ है, राइट हैंड की फिंगर्स को आप कर्ल करोगे तो ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे कॉइल करता है। उल्टा भी जा सकता था, ऐसे जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था ना, ये तो उल्टा हो गया, ऐसा नहीं होता। अल्फा इसको बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स, राइट हैंड वाले को, ये शेप होती है इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कॉयल क्यों कर रहा है, कॉयल कर रहा है ये एच बॉन्डिंग के कारण, या डाइसल्फाइड लिंकेज के कारण, या फिर आयनिक इंटरेक्शन भी हो सकते हैं इनमें। जैसे ये देखो, एक का आप लगा लो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, दूसरे का NH2, ऐसे होगा ना, NH ग्रुप, इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, सी डबल बॉन्ड और NH तो होगा ही होगा, तो इनमें आपस में क्या हो जाती है, एच बॉन्डिंग, ऐसे एच बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं ऐसे ऐसे, इसलिए कॉयल बन जाती है। क्लियर हुई कि ऐसे क्यों बन रही है कॉयल। और एच बॉन्डिंग किस में होती है, एच बॉन्डिंग होती है फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड के, एच बॉन्डिंग बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ अमाइनो एसिड, मतलब एक अमाइनो एसिड का सी डबल बॉन्ड ओ होगा और उस चौथे का NH होगा, तो उसमें एच बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये एच बॉन्डिंग होने के कारण एक रिंग सी बन गई ना, देखो
एक तो वैसे कॉयल ही है ये, पर एच बॉन्डिंग के कारण भी एक रिंग बन गई ना, देखो ऐसे 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 एक रिंग सी बन गई ना, यहाँ से जुड़ गया ये। 13 मेंबर्ड रिंग होती है, 13 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होती है ये, पूरी कॉयल नहीं 13 मेंबर्ड है ये, मतलब यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये पूरा रिंग एक सर्कल क्लोज लूप बन गई ना, ये समझ पा रहे कौन सी क्लोज लूप की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे 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 यहाँ से ऐसे एक क्लोज लूप बन गई ना, तो ये 13 मेंबर्ड क्लोज लूप होती है। और एक कॉयल में, एक कॉयल कहाँ है, पूरा कॉयल कहाँ से कहाँ, मतलब आप यहां से चले घूम के पूरा ऐसे 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 एक कॉयल मार दिया आपने, पूरा कॉयल एक कर लिया आपने पूरा ऐसे, ठीक है, तो उसमें कितने मेंबर्ड होते हैं, 3.6, यहां से लेके एक कॉयल तक 3.6 मेंबर्स होते हैं एक कॉयल में, 3.6 मेंबर्स। पर ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जस्ट आपको बता रहा सा होता है, आपको तो इतना ही याद रखना है कि अल्फा हेलिक्स बनेगा, और अल्फा हेलिक्स क्यों बनता है, हाँ स्प्रिंग स्प्रिंग के जैसे राइट हैंड है ये, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करो, फिंगर्स कर्ल करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ कॉइल, तो अल्फा हेलिक्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू ए राइट हैंडेड स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू बनता है अल्फा हेलिक्स विद द NH2 ग्रुप ऑफ ईच अमाइनो एसिड रेजिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड सी डबल बॉन्ड ऑफ एडजेसेंट टर्न, यहाँ दिखा रहा है एडजेसेंट टर्न के सी डबल बॉन्ड ओ के साथ दिख रहा है ना, यहाँ पे चौथे के साथ जुड़ रहा है वो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉइल हो जाती है ऐसे, तो ये 3.6 मेंबर्स होते हैं। तो एक तो ये अरेंजमेंट हो गया, किसका अरेंजमेंट था सर, ये, मतलब कि इथो लेके इथो तक जुड़ता सारा। हाँ तो ये क्या था, पॉलीपेप्टाइड चेन का एक अरेंजमेंट था अल्फा, दूसरा क्या है वो ऐसे पैरेलल या फिर बीटा एंटी पैरेलल अरेंज हो जाए, ऐसे 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 अरेंज हो जाए आपस में, ऐसे ऐसे साइड साइड में ऐसे अरेंज हो जाए, और इनमें आपस में ऐसे एच बॉन्डिंग हो जाए, समझ, ड्रेपरी की तरह, ड्रेपरी मतलब पर्दों की तरह, पर्दे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना पर्दे, इन बीटा प्लीटेड शीट्स ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंशन, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या पहले स्ट्रेच हो जाती है मैक्सिमम एक्सटेंशन, कॉइल नहीं करती स्ट्रेच हो जाती है, विच आर हेल्ड टूगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और फिर इनमें क्या होती है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, अलग अलग ऐसे चेन्स हैं बहुत सारी चेन्स हैं उनमें एच बॉन्डिंग हो जाती है, तो रिजेंबल्स प्लीटेड फोल्ड ऑफ ड्रेपरी, प्लीटेड मतलब प्लेटें पड़ी होती हैं, ड्रेपरी मतलब पर्दे, पर्दों में प्लेटें नहीं पड़ी होती, उस तरह से होता है ये, देयर फोर नोन एज बीटा प्लीटेड शीट्स, तो यहाँ दिखाया हुआ क्लियरली दिख रहा है ना, ये वाली एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ये, एक है ना ये, एक चेन है ना ये, दिस इज अनदर चेन, दिस इज थर्ड चेन, और इनमें देखो एच बॉन्डिंग हो रखी है ना, ये बात है, तो दो हो गई। प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स की दो तरह की सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स, अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो अल्फा हेलिक्स को हेलिक्स क्यों होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि उसके फर्स्ट और फोर्थ मेंबर के बीच में एच बॉन्डिंग हो जाती है ना, एक का सी और दूसरे का NH2, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द आंसर। प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर शेप, देखो प्रोटीन का, प्रोटीन भी एक मॉलिक्यूल ही है ना, तो उसकी शेप के बेसिस पे उसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर, फाइब्रस मतलब ऐसे स्ट्रेट धागे की तरह, धागे की तरह, ग्लोबुलर मतलब ऐसे गोल गोल हो जाए, ये एक्चुअली 3 डिग्री स्ट्रक्चर में ये शेप लेने लगता है, जैसे आपने अल्फा हेलिक्स तो बना लिया ऐसे, अल्फा हेलिक्स तो बना लिया आपने, तो फर्दर ऐसे कॉइल कर करके ऐसे कॉइल करके ऐसे कर करके ग्लोबुलर बन सकता है, या फिर वो फाइबर ऐसे पैरेलल रन कर करके फाइब्रस बन सकता है, तो दो तरह के प्रोटीन होते हैं शेप के बेसिस पे, ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर में क्लासीफाई होता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर, इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो बहुत सिंपल है एग्जाम्पल याद रखना, ग्लोबुलर की एग्जाम्पल पूछ रहा है ना, वो दोनों पे बता देते हैं,
इंसुलिन और एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन कहाँ होता है? अंडे में होता है। तो किसके इंसुलिन कहाँ होता है? इंसुलिन तो हम लोग शुगर पेशेंट्स लेते हैं ना, तो ये दोनों किसके एग्जांपल है? ग्लोबुलर प्रोटीन के। केराटिन, केराटिन बालों में होता है, हेयर में, वूल में, सिल्क में, ये तो फाइबर है, पता चल रहा है फाइबर है, हेयर तो फाइबर ही होता है, ग्लोबुल होता है नहीं। मायोसिन कहाँ होता है? मसल्स में। ये दोनों फाइबरस प्रोटीन के एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल याद रखना। इन फाइबरस प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टूगेदर बाय। सर जिहड़े जिम वाले लैंदे ने तो कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो फाइबरस प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन को टुगेदर साथ में रखती हैं? तो देखो, 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो होती है ना प्रोटीन्स की, उसको ज्यादातर कौन होल्ड करके रखता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, डाइसल्फाइड लिंकेज और वंडरवॉल फोर्सेज। ये सारी फोर्सेज ही 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है। तो फाइब्रस प्रोटीन जो है उसकी 3 डिग्री स्ट्रक्चर में आता है। तो ये सारे आंसर होंगे इसके, 1, 2, 3, 4।